फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो टैलेंट एंड आई एम नितिन परमार। माय डियर स्टूडेंट्स, एनएमआईएमएस का एनपैट का एग्जामिनेशन चालू हो चुका है फ्रॉम 1st of April। ओके, दिस इज 4th of April। अभी तक 3 दिन जा चुके हैं। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू गिव यू क्विकली दैट व्हाट इज देयर इन दिस एनपैट एग्जामिनेशन। अगर आप अगली एग्जाम दे रहे हो एनपैट की, तो आपको क्या क्या चीज़ों का तैयारी करके जाना चाहिए, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड कट ऑफ, आपके कोर्स के मुताबिक आपको कितना कट ऑफ लाना चाहिए, वो मैं आपको पूरा गाइडेंस देने की कोशिश करूंगा। आई होप दिस वीडियो विल बी कंफर्टेबल फॉर यू। सो डोंट मिस आउट टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड टेल टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल टू बी पार्ट ऑफ प्रो टैलेंट। दोस्तों, एनएमआईएमएस के एनपैट के एग्जामिनेशन के अंदर यू गेट 100 मिनट्स एंड देयर इज 120 यू कैन से क्वेश्चंस आर देयर। ठीक है, इट इज एन ऑनलाइन प्रॉक्टर्ड टेस्ट। You have to go to a particular center and appear for this exam. There are 3 sections available, total 120 questions, 120 marks. There is no negative marking. 4 number choice aati hai aapko. 100 minute ka paper MCQ aur English language mein hota hai. Dosto, sabse important part agar main bata dun aapko, to paper overall moderate hai. Not very tough and not very easy. Okay, it is not very easy. Now, why it is not very easy? Number one, सबसे बड़ा इश्यू इस क्वेश्चन पेपर में आपको एक सेक्शन का ऑर्डर मिलता है। व्हाट डू यू मीन बाय सेक्शन का ऑर्डर मिलता है? ठीक है, कि आपको पहले एक सेक्शन मिलेगा, फिर उसके बाद आप उसके सभी क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे तब दूसरा सेक्शन मिलेगा, फिर सभी क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे उसके बाद आपको तीसरा सेक्शन। सो व्हेन यू हैव टू मूव टू अनदर सेक्शन कॉल्ड रीजनिंग, यू मस्ट कंप्लीट दिस सेक्शन। ठीक है, देन यू हैव टू गो टू इंग्लिश, देन यू मस्ट सबमिट दिस सेक्शन एंड देन यू कैन से यू हैव टू सबमिट दिस। ठीक है, सो दोस्तों ये ऑर्डर भी फिक्स्ड है, दैट इज मैथ पहले, रीजनिंग उसके बाद और इंग्लिश उसके बाद। ठीक है, सो दैट मीन्स ये जो टाइम मैनेजमेंट करना है मैथ का, कि मैथ में हमने बताया था आपको 40 मिनट देना चाहिए, रीजनिंग में यू मस्ट गिव 35 मिनट। ठीक है, एंड इंग्लिश में यू शुड गिव अराउंड 25 मिनट्स। ठीक है, ये जो टाइम लिमिट हमने आपको दिया, ये टाइम लिमिट मैनेज करना इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, बिकॉज मैथ इज वेरी चैलेंजिंग फॉर लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, और इसकी वजह से दे आर नॉट एबल टू टेक अ कॉल कि मैं ये सेक्शन को सबमिट करूँ या और क्वेश्चन सॉल्व करूँ या ना करूँ। मैथ ओवरऑल चैलेंजिंग है, रीजनिंग और वर्बल ईजी है। तो क्या तरीके के क्वेश्चन आते हैं और क्या एक अच्छा स्कोर होगा अगर मैं बात करूं तो मुंबई के बीबीए प्रोग्राम को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, मुंबई का मेन कैंपस का बीबीए प्रोग्राम को ध्यान में रखते हुए अगर मैं देखूं तो इन्होंने ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर 4 से 5 क्वेश्चन पूछे थे, एपीजीपी के ऊपर 4 से 5 क्वेश्चंस थे। ठीक है, एरिथमेटिक के ऊपर करीबन 20 क्वेश्चंस के आजूबाजू आ रहे थे, प्रोबेबिलिटी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के ऊपर 3-4 क्वेश्चंस थे, लॉग फंक्शंस को मिला जुला कर करीबन 3-4 क्वेश्चंस और थे। ऑन एन एवरेज अगर आप 40 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन के आजूबाजू तैयारी कर पाए, अटेम्प्ट कर पाए विद अ गुड एक्यूरेसी ऑफ अराउंड 80% या मोर देन 80%, इट इज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल। दोस्तों, जो लोग बीबीए मुंबई कैंपस के लिए जाना चाहते हैं उनको ट्रिग्नोमेट्री, एपीजीपी, लॉग फंक्शंस की एडिशनल तैयारी करना जरूरी है। ठीक है, एनीवे वो सभी लोग मैथ के स्टूडेंट हैं तो उनको ये सब टॉपिक तो आते ही है, तो प्लीज़ उसकी तैयारी करके जाना बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि उसका वेटेज आप देखिए कि अगर मैं लॉग फंक्शंस ट्रिगो एपीजीपी का गणित टोटल लगाऊं, दैट इज मेकिंग सम अराउंड 40-50% क्वेश्चंस, 40-50% क्वेश्चन विच मेक्स इट ह्यूज। ओके, सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कमिंग टू रीजनिंग, इट वॉज ऑन द सिमिलर लाइन, वेन डायग्राम, विजुअल रीजनिंग के क्वेश्चंस जो करीबन 8 से 10 क्वेश्चंस के आजूबाजू रहे, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट कंक्लूजन एजम्पशन कोर्सेस ऑफ एक्शन स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट वीक आर्ग्यूमेंट ये सब मिला जुला कर करीबन लेकिन से और 8 से 10 क्वेश्चंस, मतलब वर्बल रीजनिंग मेक्स अराउंड 50% ऑफ इट। ठीक है, डेटा इंटरप्रिटेशन के करीबन और 10 क्वेश्चंस रहे, सीरीज कोडिंग डिकोडिंग एनालॉजी के क्वेश्चंस रहे जो बाकी 10 क्वेश्चंस रहे। ओवरऑल 40 में से अगर आप 30 के आजूबाजू करने के काबिल है तो ये पक्का आपको एक बड़ा स्कोर दे पाएगा।
जो स्टूडेंट्स रीजनिंग की अच्छे से तैयारी करके गए होंगे वो 35 मिनट में 30 के ऊपर अटेम्प्ट कर पाते हैं, एंड दैट इज रियली पॉसिबल। ये डेटा इंटरप्रिटेशन थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, कैलकुलेशन थोड़ा सा समय ले लेता है, पर उतना टाइम तो लेगा ही ना दोस्तों। अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो काम कैसे चलेगा, ठीक है। एंड देन इंग्लिश टर्न्स आउट टू बी द इजीएस्ट ऑफ ऑल, पर वोकैब के ऊपर सबसे ज़्यादा दारोमदार है। 15 क्वेश्चंस वोकैब के, 15 क्वेश्चंस आरसी के, एंड ग्रामर के 10 क्वेश्चंस। वोकैब कम्स थ्रू फिल इन द ब्लैंक, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं, एंड ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस भी रहते हैं। इसमें 35 के आजूबाजू आपको चाहिए, ठीक है। सो ऑन एन एवरेज इफ आई टॉक अबाउट कॉन्ट में यू मस्ट अटेम्प्ट 25 प्लस, विच आर जेन्यून अटेम्प्ट। नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप बाकी पूरा अटेम्प्ट तो करोगे ही, और उसके द्वारा जो बेनिफिट हुआ दैट्स अ सेपरेट इशू, ओके। देन योर एलआर के अंदर यू शुड अटेम्प्ट 30 प्लस, ठीक है, एंड इंग्लिश में यू शुड अटेम्प्ट 35 प्लस, ओके। सो दैट मेक्स इट टू सम राउंड अगेन से 90 प्लस शुड बी अ जेन्यून अटेम्प्ट। जो स्टूडेंट्स 90 के ऊपर, दैट इज 95, 100 के आजूबाजू लेकर आते हैं, दे हैव अ वेरी गुड चांस ऑफ गेटिंग इनटू मुंबई बीबीए कैंपस। देखिए दोस्तों, मैं आपको अगर कैंपस वाइज कट ऑफ दिखाऊं, है ना, कैंपस वाइज कट ऑफ दिखाऊं, तो ये रहा आपके सामने कैंपस वाइज कट ऑफ। क्या कैंपस, जैसे मुंबई कैंपस के बारे में बात करें तो मुंबई कैंपस में आपके पास इतने सारे कोर्सेस अवेलेबल है, ये सुनो, बीबीए मुंबई, बीबीए बीएससी फाइनेंस, बीकॉम ऑनर्स, बीएससी इकोनॉमिक्स, बीबीए ब्रांडिंग एडवर्टाइजिंग, बीबीएमएम, ठीक है, विच इज वी कैन से अ काइंड ऑफ कोर्स रिलेटेड टू फैमिली बिजनेस मैनेजमेंट, लिबरल स्टडीज, बीबीए इंटरनेशनल, ये तरीके के कोर्सेज आपके पास रहते हैं, ये सुनो। तो इसमें अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा कट ऑफ जो रहेगा दैट विल बी फॉर बीबीए मुंबई कैंपस का, विच इज 85 के ऊपर, ओके। बीएससी फाइनेंस का 78 के आजूबाजू रहेगा, बीकॉम ऑनर्स 72 के आजूबाजू रहेगा, बीएससी इकोनॉमिक्स भी उसी के आजूबाजू रहेगा, ब्रांडिंग एडवर्टाइजिंग विल बी एट सम अराउंड 65 के आजूबाजू, बीबीएमएम बिटवीन 50 to 60, लिबरल स्टडीज 60 के आजूबाजू रहेगा, एंड बीबीए इंटरनेशनल विल बी एट 50 to 60 के आजूबाजू रहेगा, ठीक है। दिस इज हाउ द मुंबई कैंपस का कट ऑफ। वॉट अबाउट बैंगलोर, बैंगलोर विल बी ऑन दिस लाइन, बी बी ए 65 के आजूबाजू, बी एस सी फाइनेंस 58, बी कॉम ऑनर्स 55, बी एस सी इकोनॉमिक्स 50 के आजूबाजू रहेगा, ठीक है। एंड नवी मुंबई का देखें तो इट विल बी ऑन द रफली ऑन द सेम लाइन, नवी मुंबई बैंगलोर रफली ऑन द सेम लाइन रहता है। हैदराबाद हैज़ अ लोअर कट ऑफ फॉर देयर बी बी ए एंड बी कॉम ऑनर्स प्रोग्राम, ठीक है। सिमिलरली इफ यू आर लुकिंग एट इंदौर, इंदौर फॉर बी बी ए बी कॉम ऑनर्स BSc Finance, this is the kind of cut-off will be expected. Dhule campus has this kind of cut-off and Chandigarh has this kind of cut-off. ठीक है, आई होप इट इज वेरी क्लियर, ठीक है दोस्तों। ये कट ऑफ आप अपने कोर्स के मुताबिक, अपने कैंपस के मुताबिक देखिए, ओके। और आपको इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आगे की प्लानिंग करिए दोस्तों। मेरा मानना है कि NMIMS के अंदर सेक्शन वाइज कट ऑफ नहीं है, पर हर एक कोर्स का और हर एक कैंपस का अपना अलग अलग कट ऑफ है, ये सुनो, हर एक कोर्स का, हर एक कैंपस का अलग अलग कट ऑफ है, तो आपको उसके ऊपर पक्का ध्यान देना पड़ेगा। और इसीलिए जो मैंने आपको कट ऑफ दिया है उसके ऊपर ध्यान दीजिए दोस्तों। एनपैट आपको दो और रिटेक देता है, विच मीन्स टोटल 3 अटेम्प्ट्स देता है। मेरा मानना है दैट यू शुड अपियर फॉर ऑल 3 अटेम्प्ट्स, क्योंकि आपने पहला अपियर किया, देन यू नो दैट यू कैन इम्प्रूव वेल, एंड वॉट एवर इज योर करंट स्कोर यू कैन पॉसिबली स्कोर मोर देन दैट, दैट इज वॉट यू कैन पॉसिबली वर्क ऑन, यू हैव मोर टाइम टू गो थ्रू दैट, ओके। उनका पहला जो अटेम्प्ट है उसका करीबन 25 अप्रैल तक आपका पहला लॉट है, ठीक है, आप तब तक दे सकते हैं एग्जाम पहले स्लॉट के लिए। सेकेंड रिटेक उसके बाद का स्लॉट चालू होगा, थर्ड विंडो उसके बाद चालू होगी। ये थर्ड विंडो जो आपकी चलेगी दैट विल गो ऑन टिल 26th of June दोस्तों, 26 जून तक आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। प्लीज़ आप उसको गो थ्रू करिए, प्रैक्टिस ज़्यादा करिए, अभी भी समय अवेलेबल है, अच्छे से प्रैक्टिस करिए। फोकस ऑन
टारगेटेड एरिया, सब चीज़ों की तैयारी ना करें। जहाँ पे फोकस करना है वोकैब के ऊपर ध्यान देना है, वोकैब के ऊपर ध्यान दीजिए। रीजनिंग के अंदर जो वर्बल रीजनिंग है वहाँ पे ध्यान देना है, वेन डायग्राम के ऊपर ध्यान देना है, प्लीज़ वहाँ पे ध्यान दीजिए। आप अगर आप BBA कोर्स मुंबई के लिए टारगेट कर रहे हो, ठीक है, क्वांट के ऊपर फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, APGP, लॉग्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करिए। आप अपने कोर्स के मुताबिक जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वहाँ पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, वो आपको पक्का मदद करेगा, वो आपको ज़्यादा स्कोर लाने में मदद करेगा और आप सही में अपने एक ऐसे टारगेटेड कोर्स के पास पहुँच पाएंगे। ठीक है दोस्तों, इन सब चीज़ों को मिस ना करें, हमारी जो हमारी तरफ से जो गाइडेंस मिल रहा है उसको रेगुलरली फॉलो करें। लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव टेकन दिस गाइडेंस एंड देयर बाई दे आर गेनिंग लॉट ऑफ बेनिफिट आउट ऑफ दिस। ठीक है, सो दोस्तों, इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर NPET प्रिपरेशन, IIM, IPM प्रिपरेशन, CUET प्रिपरेशन, डोंट मिस आउट टू ज्वाइन अवर कोर्स। ठीक है, दैट इज अवेलेबल ऑन अवर साइट कॉल्ड www.protalentdigital.com. It's a wonderful course available. Don't miss out to purchase that course. Okay? Thank you for watching this. Don't miss out to like this video. If you have any query, any point you have in your mind, please put that into comment box. We will be more than happy to respond to all your queries. Okay? Thank you and have a nice day.